सास बहू और बेटिया, मैं आपको दे देते हैं खुशखबरी, जल्द आ गया है, इनफैक्ट रिलीज हो चुका है सुहानी सी लड़की एक बार फिर। यस, राइट नाउ वी हैव आवर ओन सुहानी, यानी कि राजश्री रानी। एंड सबसे पहले तो सास बहू बेटिया में आपका स्वागत है एंड कंग्रेचुलेशंस, शादीशुदा लड़की से मिल लीजिए। हाउ वाज योर वेडिंग? बहुत बहुत कमाल थी। सॉरी, मैंने सिंदूर नहीं लगाया आज। ओह, चूड़ियाँ भी उतर गई। थैंक यू सो मच। और सुहानी आ रहा है, मुझे सच में पता नहीं था। मैं मतलब मुझे थोड़े दिनों पहले मैसेज आने शुरू हुए इंस्टा पे और बहुत सारे पुराने सीन्स और शुरुआत के एकदम, तो मुझे अचानक लगा कि इतने सालों बाद अचानक कैसे सबको याद आ रही है, तो अब मुझे पता चला अच्छा ये बात है। तो बात ऐसी है कि शैमारू पर आ चुका है सुहानी, दोबारा से रिलीज़ हुआ है OTT प्लेटफॉर्म पर, आप भी चेकआउट कर सकते हैं। और जब सुहानी की बात निकली है तो हमने सोचा राजश्री से पूछ लेते हैं कि जब दोबारा कोई शो जो ऑलरेडी बन चुका है, जिसके लिए ऑलरेडी आपको इतना सारा अप्रिसिएशन मिल चुका है, वो अब दोबारा आ रहा है, सो वॉट इज़ योर फील ऑन दैट? बहुत वापस से ना, जब वो पुराने सीन्स देखे और लोगों के फिर से मैसेज आने शुरू हुए, आप बहुत अच्छे लगते हो, हम बहुत प्यार करते हैं आपसे, तो यू नो सारी चीज़ें वापस से, वो जो यादें थी ना सुहानी के सेट की, वो तो वापस नहीं हो सकता। हम हमेशा मस्ती करते थे, सुहानी जब ख़त्म हो गया था तो सारे लोग हम बोलते थे सुजाना मैम को सीज़न 2 बनाइए ना, बट तो वो कभी कभी मस्ती में बोलती थी कि बनेगा लेकिन तुम सबको नहीं लेंगे। तो अच्छा लग रहा है यार, अच्छा फील होता है कि मुझे आज तक, आप यकीन नहीं मानोगे, मुझे आज तक मेरे जितने भी फ्रेंड्स हैं ना, वो मुझे सुहानी कह के ही बुलाते हैं। तो मेरे वो दिल के बहुत करीब था वो कैरेक्टर, वो शो हमेशा रहेगा। तो मैं बहुत खुश हूँ कि मतलब जो थोड़े बहुत लोग बच गए थे जिन्होंने सुहानी को नहीं देखा था, नहीं मिले थे, तो अब उनको कम से कम मौका मिलेगा वापस सुहानी से मिलने का। राजश्री, कितने सालों बाद ये शो दोबारा से देखने वाला है ऑडियंस को, मतलब व्हेन वाज द लास्ट टाइम यू शॉट फॉर दिस शो? 2018 के में वो बंद हुआ था शो, या हाँ 18 में ही हुआ था, तो दो ढाई तीन साल हो गए मेरे ख्याल से। 3 साल के बाद वापस से शुरुआत हो रही है, तो प्लीज़ आप लोग देखिएगा, और बहुत ही कमाल शो है, बहुत मज़ा आएगा, और हमें करके आज तक मज़ा आता है, आज तक हम वो बातें करते हैं सारे सीन की। अभी नमक इश्क का में भी जब बातें होती हैं तो कहीं ना कहीं से कोई ना कोई सुहानी की बात निकाल ही देता है। टेक्नीशियन में भी बहुत सारे लोग हैं जो जिन्होंने सुहानी मेरे साथ शो किया है, हमारे DOP हैं और कई लोग हैं, तो मतलब वो मेरे लिए बेस्ट है। वैसे सुहानी शो डेफिनेटली बेस्ट रहा है यार, उसमें पति देव भी मिल गए, शादी हो गई आफ्टर दैट, गौरव एंड राजश्री मेट इन सुहानी ओनली, राइट? हाँ, प्लीज़ आप लोग जब देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो मेरा देवर था, भाई नहीं बोलूँगी, हाँ भाई, मैंने उसे ऐसे ही बोल दिया था भाई, शुरू में पिए भैया करती रहती थी, बट वो था तो देवर, और बाद में फिर वो मेरे जीजा भी हो गए थे, तो मैंने लास्ट में उनको जीजू ही माना था। फिर अभी तो पति हो गए, अभी तक यकीन नहीं होता है, अच्छा गौरव पति। सो गाइज, आई रियली वांट टू से यू, बिकॉज फिल्म सिटी में शूट होता था सुहानी सी लड़की, बात निकली है पुराने शो की तो कुछ यादें ताज़ा कर ली जाए। सो फिल्म सिटी में शूट होता था और अक्सर कैंटीन में मुलाकात होती थी मेरी राजश्री और गौरव से, एंड आई यूज टू से देयर इज समथिंग एंड दे यूज टू से ऐसा कुछ नहीं। सो फाइनली व्हेन हम लोग को भी खबर पड़ी कि ओके सुहानी की हो रही है शादी, गौरव से ही राजश्री शादी करी, तो तब सारी पोल पट्टी सामने आई है। नहीं, एकदम सच है ये कि हम बहुत अच्छे दोस्त थे यार, और कैंटीन में ऐसे मत बोलो, हमारे और भी लोग गौरव और मेरे अलावा जो मेरे फादर थे चंद्रेश जी, वो भी होते थे साथ में, बट दिक्कत ये थी कि उनका ज़्यादा शूट नहीं होता था, वरना हम 3 ही जाते थे हमेशा, और यार सब लोग अपने अपने घर से खाना ला देते, और हम थोड़ा ज़्यादा बाहर का खाते हैं और उस तरह से, तो यार ऐसा कुछ भी नहीं था यार, दोस्त थे मेरे ख्याल से, दोस्त तो हैं। हाँ अच्छा, तो शादी हो। शी इज़ ब्लशिंग स्टिल। सो कमिंग बैक टू द सुहानी, यू रिमेंबर योर फर्स्ट सीन ऑफ द शो? हाँ, मुझे सबसे ज़्यादा याद है, हमारी वर्कशॉप हुई थी, तो वर्कशॉप में बहुत सारी चीज़ें एक्टिविटी कराई थी जो भी हुआ था, फिर लास्ट 2 डेज जो हमारा वर्कशॉप था, तो जय सर जो थे वो आए थे हमारे डायरेक्टर, तो मेरी पहली लाइन थी शो की, मतलब ये तो शायद मैं कभी नहीं भूलूंगी, कि सोमू लोग पार्लर क्यों आते हैं, और मुझे नहीं पता, मतलब तब तो मुझे कुछ भी नहीं आता था, अभी भी सीख ही रही हूँ, वो लाइन कम से कम मैंने 100 तरीके से बोली होगी, और
सोमू लोग पार्लर क्यों आते हैं? नहीं नहीं कट 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 सोम, अरे भाई मतलब। और शुरू शुरू में वो अमिताभ जी की लाइंस में बोलती थी, सुहानी बहुत बड़ी उनकी फ़ैन थी, तो मुझे याद है जो पहली अमिताभ जी का जो डायलॉग था कि तुम पीटर तुम यहाँ थे और मैं तुम्हारा इंतज़ार वहाँ कर रहा था, इसके कम से कम 40 रिटेक्स होंगे, 40 बस मुझे यही सुनाई देता था, कट कट कट। मतलब वो शुरुआती जो दिन थे ना वो मैं कभी नहीं भूल सकती हूँ। मतलब मैं कई बार तो ऐसा होता था कि मेरी आंखें भर आती थी, बट सब लोग मुझे ना, शायद मैं वैसी थी या जो भी हो, मुझे किसी ने सीरियस नहीं लिया कभी। और अगर मैं कभी ऐसे हुआ कि मुंह बना दिया, और मैं कैमरे के आगे ही मुंह बना देती थी, मुझे ये नहीं पता होता था कि अगर मैं यहाँ पे माइक पे खड़े रह के कुछ भी रिएक्ट करूँगी तो वो दिखता है मॉनिटर पे, और मुझे कुछ आइडिया नहीं था। मैं मुंह बना, फिर मुझे आवाज़ आती थी, बना लो मुंह, करना तो पड़ेगा। तो बहुत सारी यादें हैं, शुरुआत की तो छोड़िए, पूरे शो की बहुत अच्छी यादें हैं। और आप तो आते थे हमारे सेट पे, हमारा सेट का माहौल भी कुछ वैसा था कि हम एकदम फैमिली की तरह रहते थे। और शो के दौरान बहुत कुछ हुआ, मम्मी मेरी चली गई और बहुत कुछ हुआ, पर अच्छी अच्छी चीज़ें हमेशा याद रह जाती हैं, तो वो सब याद है। और अब जब वापस से वो चीज़ें सब आते हैं, मैसेज और सीन्स, तो आज ही मैंने इनफैक्ट आज ही शेयर किया है एक, जिसमें मैं मर जाती हूँ, ऐसा दिखाते हैं कि मैं मर जाती हूँ, वो मैंने शेयर किया, तो सब आपको याद आ जाते हैं। सो जैसा कि आपको बताया कि सुहानी से कई सारी ऐसी यादें हैं जो राजश्री की जुड़ी हुई है, ये फर्स्ट एज अ फुल फ्लेज्ड शो भी रहा है राजश्री की लाइफ का? यस, हाँ, पहला। उसके पहले मैंने बहुत नहीं, बट थोड़ा मोड़ा काम किया है, बट जिससे मुझे पहचान मिली, जिससे मुझे सब कुछ मिला, पति मिला, वो सुहानी था। So, ये शिमारू पे आ चुका है, जिसे आप भी चेकआउट कर सकते हैं अगर आपने शो शुरू से नहीं देखा, या यू रियली वांट टू वॉच इट, सो यू कैन सी देयर। साथ ही मैं सुहानी शो की बात करूँ तो उसमें कई सारे लीप्स भी आए, राइट? सो यू रिमेंबर हाउ मेनी लीप्स वर देयर? हाँ, उसमें दो बार हुआ था कि मैं दो बार उसमें माँ बनी थी। पहली बार जब मैं माँ बनी थी तो मेरे बच्चे कुछ 8-9 साल के थे, और जब मैं सेकेंड टाइम माँ बनी, मेरे बड़े बच्चे हो गए, तो वो बच्चे मुझसे कुछ 2 या 3 साल छोटे थे। तो ठीक है, वो भी मेरे लिए बहुत, मतलब जब हम उस चीज़ को करते हैं ना किरदार, तब हमें पता चलता है। मुझे लगता था कि ठीक है ना, लीप ले रहे हैं तो ठीक है, मैं वो हो जाएगा। बट मुझे याद है हम गोवा में शूट कर रहे थे, और मेरा जो पहला सीन था, जब मैं अपने बच्चों के साथ चर्च से बाहर आ रही हूँ, वो सीन तुरंत जैसे ही हमने शुरू किया और वो कट हो गया, मुझे समझ में नहीं आया कि क्या गलती हो गई। उन्होंने कहा, सुहानी अभी तुमको पहले की तरीके नहीं चलना है, तुम जैसे पहले, यस। तो मेरे लिए वो इतना मुश्किल था ना, कि जिस तरह, जिस किरदार को आप 1.5 साल से कर रहे हैं, वो मुझे सडनली, मतलब वो मेरे लिए बहुत अजीब था। मैं थोड़ी सी इमोशनल भी हो गई, और बहुत मुझे सडनली ये लगा, वो फीलिंग मैं, मतलब मुझे समझ नहीं आया कि मैं किससे क्या बताऊँ, पर मुझे ऐसा लगा कि वो जब किरदार आपसे छूटा ना, तो मुझे लगा कि अरे ये तो गया, अब मैं उस तरीके कभी नहीं चल पाऊंगी जैसे वो चलती थी। सो बेसिकली हम ये भी कह सकते हैं कि सुहानी सी लड़की एक इंस्टीट्यूशन रहा है आपके लिए, बिकॉज यू सेड कि स्टार्टिंग में आप 50-50, 40-40 टेक हो जाते थे, विच इज़ नॉट ए ईजी थिंग। 3 बार आर्टिस्ट का टेक हो जाता है और इरिटेट हो जाती है पूरी टीम, करेक्ट? बट वही मैं कह रही हूँ कि मेरा बहुत सबने साथ दिया। एक्चुअली हमारा जो फर्स्ट एपिसोड था ना, वो 2013 में शूट किया था हमने, या 14 ऐसा ही कुछ था। 1 साल के इंतज़ार के बाद सुहानी हुआ आया, तो वो जो पायलट शूट किया था हमने, उसमें कुछ ऐसा टाइम का भी नहीं था कि हमें टेलीकास्ट है, हमें फटाफट शूट करना है, तो उसमें मेरे साथ साथ सब ने बहुत मेहनत करी थी। मतलब हमारे डायरेक्टर, हमारी क्रिएटिव टीम, या फिर जो राइटर्स होते थे वो भी सेट पर होते थे, और मतलब हमने बहुत, सुजाना मैम होती थी हमेशा सेट पे, तो 4 लोग मॉनिटर के आगे बैठे होते थे, और 4 में भी किसी को कुछ भी लगता था तो वो टोक देते थे। और सो हाउ वाज योर बॉन्ड विद अदर एक्टर्स व्हेन इट कम्स टू योर को एक्टर एंड ऑल? ओवरऑल युवराज वाज द नेम, राइट? साहिल नहीं, साहिल से बहुत अच्छा शुरू में युवराज, जिसे मैं युवराज कहती थी शुरू में, और मुझे इतनी बार वहाँ से डांटा जाता था कि युवराज क्यों बोलती हूँ, युवराज क्या होता है, और मुझे नहीं पता कि शायद वो यूपी वाला टच था, या हाँ उसका मुझे कुछ है, दिक्कत है, तो बार बार उसमें फीडबैक आते थे। फिर मैंने फाइनली 1 साल के बाद वो बोलना शुरू किया, फिर मुझे याद है
तीसरे मतलब दो साल के बाद जब कभी ऐसा होता है ना, टीआरपी ऊपर नीचे होती रहती है, तो जब थोड़ा सा नीचे गई तो बोले क्या चेंज हुआ, बोले अरे इसने युवराज बोलना शुरू कर दिया तुम युवराज बोलो तब ज़्यादा अच्छा है। बहुत सारी उसके साथ भी अच्छी बॉन्डिंग थी मेरी, अच्छी दोस्ती थी। और अच्छी बात ये थी कि हमारे शो में ना सब लोग बहुत फ्रेश थे, मतलब किसी ने कोई वैसा बड़ा काम कि सालों जैसे अभी हम इतना कर चुके वैसा कोई नहीं था, सब बहुत नए से थे, तो सबकी बॉन्डिंग बहुत अच्छी थी। गौरव के साथ तो बहुत ही अच्छी बॉन्डिंग थी मेरी, और साहिल के साथ भी थी जो मेरी सास प्ले करती थी, जो मेरे फादर थे, एक्चुअली सबके साथ ही थी सो मतलब कह सकते हैं कि जब एक शो जो ऑलरेडी आप कर चुके हो वो दोबारा से स्क्रीन पर आए और दोबारा से ऑडियंस का उनका रिएक्शन मिले तो वो अपने आप में काफ़ी इंटरेस्टिंग होता है। और फिर शादी के बाद ये एक तरह से गुड न्यूज़ ही है कि एक शो जो तुम कर चुकी हो जिसने पति दे दिया वो शो दोबारा आ रहा है। हाँ, उसमें आपको देखने को मिलेगा कि मैंने अपने पति को राखी भी बांधी है और टीका भी किया है और पूरा टाइम पिए भैया ऑन स्क्रीन है ना, सो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन रियल एंड रियल लाइफ। नाउ कमिंग टू हर अनदर शो विच शी इज डूइंग राइट नाउ, एकदम नेगेटिव किरदार है, ऐसे दाग वाग दिए तुम्हारे फेस पे, वो मतलब मुझे ऐसा लगता है नमक इश्क का, वी आर टॉकिंग अबाउट नमक इश्क का, नमक इश्क का तो वो है यहाँ पे, मुझे वो मांग देते हैं और वो बचपन में ऐसा दिखाया है कि मैं जल गई थी कुछ किसी को बचाने के, अपनी सास को बचाने के चक्कर में। और वो बहुत ही प्यारी, मतलब इतनी ज़्यादा प्यारी है कि मुझे नहीं लगता कि आज के ज़माने में कोई होगा। मैं कभी कभी वो जब शूट करने के लिए सेट पे जाती हूँ ना तो मैं गाना गाती हो जाती हूँ, मेरा पति मेरा देवता है बेचारी कैरेक्टर है। और वो क्योंकि उसके पति ने शादी कर ली इसके होने के बाद भी, तो वो एकदम उसको भगवान की तरह पूजती है, लेकिन पति किसी और के पीछे आजकल पड़ा हुआ है वो बड़ा ही इंटरेस्टिंग और बड़ा ही मज़ेदार कैरेक्टर है। और सारे लोग मुझे सेट पे भी बोलते हैं, मतलब उनको सच में मेरे ऊपर तरस आता है, अगर मैं बोलूँगी भी ना कि दादा मुझे चाय दे दीजिए, अरे रुपये बस अभी लाता, मतलब उनका वो निकलता ही ऐसे कि ओ बेचारी तो ऐसे मतलब राजश्री के फेस वैल्यू जो है ना वो वैसी ही है कि इसे आपको जितना ऑन स्क्रीन दिखाना है ना, रोते धोते दिखा दो, लोग टच और कनेक्ट हो ही जाएंगे राइट। लेकिन वहाँ पर वहाँ के जो अभी जो हैं बाकी मेरे को एक्टर, उन्हें भी ऐसा लगता है कि मैं बहुत सीधी सी, और यार मैं हूँ है कि नहीं, लगता है सो हियर कम्स द थिंग, कैसे सुहानी वालों से पूछा जाए ना तो फिर वो बताएंगे अरे ये बहुत चंट है तो इसकी पूरी असलियत जो है वो हम गौरव से पूछेंगे जब हमें वो मिलेंगे। लेकिन फिलहाल ये जो बातों का सिलसिला है ना ये बहुत लंबा भी चल सकता है, जो हमें नहीं करना है, तो हम यहीं पर पॉज लेते हैं और दोबारा से अब गौरव और राजश्री के साथ 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 मुलाकात होगी। लेकिन आप लोग ज़रूर देखिए, हाँ प्लीज़ देखिए सुहानी से एक लड़की, और मैं आपको मतलब प्रॉमिस करती हूँ कि आप इतना पसंद आएगा ना आपको कि आप मेरे ख्याल से उसे लास्ट तक तो पक्का देखेंगे। एक लव स्टोरी है बहुत प्यारी सी, एक प्यारी सी लड़की है सुहानी, और आप नॉर्मल जो लाइफ में हमारी होता है अमूमन घरों में ज़्यादातर कि सांवले रंग को लेके बहुत कमियाँ होती हैं कि सांवली लड़की से कोई शादी नहीं करता है और बहुत कुछ होता है, तो उसके ऊपर है कहानी। तो प्लीज़ आप देखिए और ढेर सारा प्यार वापस से मुझे दीजिए। तो प्लीज़ आप सुहानी से एक लड़की देखिए शिमारों पे, और साथ ही देखते रहिए सास बहू और बेटिया, क्योंकि आपके चहीते कलाकारों से आपको मिलवाता है पर्दे के पीछे सिर्फ यही शो। कैमरा पर्सन हेमंत के साथ श्रुति बरजात्या, मुंबई आज तक।